Uh, आज हम सिलेबस ओवरव्यू की तरफ चल रहे हैं कि कैम्ब्रिज ओ लेवल फिजिक्स 5054 में आप क्या पढ़ते हैं और ये लेटेस्ट सिलेबस है जो कि 2023 ऑनवर्ड्स यूज़ होगा ये जो पेपर है ये जून और नवंबर दोनों में अवेलेबल होता है और इस पेपर में इस सब्जेक्ट में आप दो पेपर्स पढ़ते हैं पहला पेपर वन है इफ़ आई कैन शो यू ओके सो लाइक दिस दिस इज़ पेपर वन पेपर वन जो है इस पेपर वन में आप जो है एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वन आर होता है इसका टाइम फोर्टी मार्क्स होते हैं और सारे एम सी क्यूज होते हैं आपको एक शीट दी जाती है पेपर में जो आपको फिल इन करनी होती है जो सेकेंड पेपर होता है इट इज़ थियोरेटिकल बेस्ड वन आर फोटी फाइव मिनट्स का होता है इट इज़ फॉर एटी मार्क्स इसमें सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन और स्ट्रक्चर्ड कोश्चन्स होते हैं और इसमें आपने ये करना होता है देखें इसकी वेटेज फिफ्टी परसेंट है तो इट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके थ्राटिकल पोर्शन सही हो और पेपर वन थर्टी परसेंट वेटेज होता है प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए आप पेपर थ्री नहीं देते आप पेपर फोर देते हो दैट इज़ ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल वन आर का होता है इट कैरीज़ फोटी मार्क्स और इसकी ट्वेंटी परसेंट वेटेज है बाकी इसके अंदर जो सिलेबस है सिलेबस की डिवीजन तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर पढ़ सकते हो लेकिन जो कंटेंट ओवरव्यू है वो सिक्स पोर्शन में डिवाइड होता है पहला मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी है इसमें सारे फोर्सेस और काइनामेटिक्स डायनामिक्स और सब चीज़ों से रिलेटेड वर्क एनर्जी पावर आता है फिर थर्मल फिजिक्स है थर्मल फ़िजिक्स के अंदर सारे टेम्परेचर से रिलेटेड और थर्मल इकुलब्रियन जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं वेव्स के अंदर सारे ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूड लाइट लेंसेज और सब चीज़ें आती हैं फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड ये स्पेस फिजिक्स ये रिसेंटली एड हुआ है तो ये चीज़ है इसके अलावा जो सिलेबस के मेन जो एस्पेक्ट है वो ये है कि स्टूडेंट्स को जो पता होना चाहिए वो कुछ आपके पास नोटेशंस हैं वो नोटेशंस में आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी किस तरह यूजुअल सिंबल से डिस्क्राइब की जाती है उसके क्या यूनिट्स होते हैं और क्या चीज़ सिंबल को क्या डिनोट करती है क्या चीज़ ये पता होना बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा ये सारा सिलेबस में गिवन होता है क्या मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें आती हैं यू शुड नो बेसिक मैथेमेटिकल ऑपरेशन जिसके अंदर नंबर ऑपरेशन आते हैं एल्जाब्रिक ऑपरेशन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन आते हैं ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ग्राफ्स की फॉम ने जो आप मैथेमेटिक्स में पढ़ते हो वो चीज़ यहाँ पर कवर होती है और उसके अलावा कुछ हमारे पास ये नोटेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कैलकुलेट लिखता है तो उसका मतलब क्या है कॉमेंट क्या है एक्सप्लन का मतलब क्या है डिस्क्राइब का मतलब क्या है स्केच का स्टेट का सजेस्ट का सो दिस इज़ ऑल गिवन इन पेपर फोर एंड पेपर टू तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ हम पेपर में आपको कवर कराते हैं सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस सब्जेक्ट ओवरव्यू व्यू इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखिएगा कि हम उसको किस तरह कवर करते हैं